ये है गाड़ी, अभी इसका प्राइस वगैरह मैं बताता हूँ। तो एसी में ये जो बेल्ट है वो आवाज़ करती है, जैसे चालू करते हैं वैसी आवाज़ करने लगती है। अरे क्या है मतलब, दिल में बड़ोड़ा अरोड़ा छोड़ के भाग जाऊँगा कहीं और, मुंबई मुंबई जा। ठीक है, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। और हम लोग निकल रहे हैं अभी नैनो लेके, और ना भी कल सीन क्या हुआ था ये बताता हूँ उसके अंदर। भाई एसी का बड़ा अजीब सा ही सीन हो गया इसमें, तो कुछ नई चीज़ें पता चली तो मैं आपको आज इसमें बताऊँगा कि क्या सीन है। बाकी अगर लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके एक बार चेक करना कैमरे पर लगा के दरवाज़ा। गर्म इतनी हो रही है, मैंने थोड़ा गाड़ी इधर की साइड खड़ी करी थी पेड़ के नीचे से, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। देख रहे हो कितनी तेज़ चल रही, तो हवा तेज़ चलने की वजह से ऐसा है कि भाई पेड़ वेड़ टूट के कहीं गाड़ी पे गिर ना जाए, फालतू में डेंट आ जाएगा। और मुझे लगता है कहीं अब गाड़ी में बच्चे सब क्रिकेट खेलते रहते ना, कहीं डेंट वेंट ना मार दिया, थोड़ी सफाई कर लेते। तो भाई सीन ऐसा है, गाड़ी अभी हम लोग लेके निकले हैं। कल रात को मैं निकला था इसको लेके, रात को कुछ 11:30-12 बजे करीब। तो बाहर जाने की मेरे को नाइट क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो फिर गया बाहर तो सब कुछ बंद ही हो गया था। और एक चीज़ खुली, एक शॉप खुली हुई थी तो उसकी गैस ख़त्म हो गई थी, तो किस्मत ऐसी ख़राब थी। बट हाँ, मैंने रात को चला के देखा था एसी, तो एसी में ये जो बेल्ट है वो आवाज़ करती है, जैसे चालू करते हैं वैसी आवाज़ करने लगती है, फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाती है एक बार सेट में आ जाती है तो ठीक है। लेकिन पहले ऐसा हो रहा था कि भाई गाड़ी का जो एसी है, ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का एसी का जो गैस है वो लीक कर रहा है, तो वो चेक कराना था क्योंकि पाइप ठंडे नहीं कर रहा था और एसी बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा था। वो चीज़ हम लोगों ने चेक करी थी पहले दोपहर में, बट मैंने रात को चेक करी तो कूलिंग कर रहा था एसी, मतलब गैस है और गैस कम है एक्चुअली। और ये जो है शायद गैस रिफिल कराने से अपना जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि गैस लीकेज का प्रॉब्लम नहीं, अगर लीकेज होता तो कूलिंग नहीं करता, एकदम ही कूलिंग ख़त्म हो जाती गाड़ी की। अभी देखो गैस ख़त्म हो जाती तो बिल्कुल ही नहीं कूलिंग करता, तो कूलिंग तो कर रहा है बट प्रॉब्लम क्या है वो चेक कराने जाना पड़ेगा। तो वो जब मैकेनिक हमारे मामा, उनको अभी थोड़ा टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो कल बात कर दी मैंने तो भाई, उन्होंने बोला था कि एक दो दिन में करके देखते हैं, तो अभी थोड़ा टाइम नहीं उनके पास इसकी वजह से। बाकी तो जल्दी लेके जाएंगे इसको और ये बात उनको मैं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम उन्हीं के पास चेक किया तो उन्होंने बोला था शायद गैस लीकेज है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो ये बात बताएंगे फिर देखते हैं क्या सीन लगता है, कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है ना। चलो जी, तो भाई अभी आज सैटरडे है तो बजरंगबली के मंदिर आए हैं, तो बजरंगबली के दर्शन कर लेते हैं फिर अपने फिर आराम से काम के लिए निकल सकते हैं ना। जय हो बजरंगबली। कोई मुझे बता सकता है कि हेलो 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 यार, वैसे मेरे को ऐसा बोलना पड़ता है इसमें, कोई मुझे बता सकता है कि इसके माइक में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एनीबॉडी, ये गाड़ी की चाबी इसी में लगी थी क्या? बताओ, गाड़ी की चाबी मैं इसी में लगा के छोड़ के चला गया था। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो मुझे बताना भाई ये माइक का क्या इशू है, कुछ किसी को पता है क्या कि माइक क्या ना, मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ तो माइक का ऑडियो नहीं लेता है, और फिर थोड़ा बोलते हैं थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बढ़ता है आवाज़ उसका वॉल्यूम, तो मतलब लेने लगता है ऑडियो, तो ऐसा सीन चल रहा है। और पता नहीं, मैंने ना नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट कर दी इसकी, कैमरा सेटिंग भी रीसेट करी थी, तो बस स्टिल सेम इशू आ रहा है। तो क्या हो सकता है मुझे बताना है, या फिर एप्पल स्टोर जाना पड़ेगा, क्या ही सीन है यार। कोई एक ना एक तकलीफ दिमाग में रहती है, चलती रहती है कुछ ना कुछ पागलपंती। भाई मैं सोच रहा हूँ ना आज एक आधा वीडियो उसके साथ थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया जाए तो अच्छा है, कि मेन चैनल पे वीडियो से व्यूज लाओ यार, पता नहीं क्या ही दिक्कत है, क्यों व्यूज नहीं आ रहे, क्या है मतलब, दिल में बड़ोड़ा अरोड़ा छोड़ के भाग जाऊँगा कहीं और, मुंबई मुंबई चला जाऊँगा है, जानते क्या हो व्यूज नहीं दे रहे, बड़ोड़ा में कुछ कमी है क्या भाई? अरे भाई भाई भाई, ऑटो वाले भैया, क्विड वाले भैया को भी अक्ल नहीं है, उधर देख के चला रहे हैं, ये नहीं देख रहे भाई मैंने इंडिकेटर दे रखा है निकलना है हमें, लेकिन उधर देख के पता नहीं क्या ही दिख रहा है उनको, चला रहे। तो भाई अभी गाड़ी इधर धूप में खड़ी करनी पड़ रही है यार, पता नहीं इधर भी एक पेड़ लगा होता तो बढ़िया होता, बाकी तो कुछ नहीं। इसका भी है ना भाई कूलेंट लेवल वगैरह हर चीज़ अभी चेक करने का टाइम आ गया है, तो वो चेक करना है, तो थोड़ा सर्विस का क्या है सीन वो भी देखना पड़ेगा, सर्विस तो क्या अभी ज़रूरत नहीं है। ये देखो आ गई लाइन में, आ गई लाइन में ना, ज़बरदस्त।
इसका एसी इतना बढ़िया है यार। ठीक है, उसके अंदर रिमोट सब इसका रखा हुआ है यार। कितनी सही गाड़ी है यार। लोग बोल रहे थे कि भाई अपनी वाली बेच के वाली ले लो, बट यार क्या करें, अपनी वाली से प्यार है यार। पहली गाड़ी अपनी पहली ही रहती है, अपनी गाड़ी थोड़ा ज़्यादा प्यार है। उसमें क्या है खर्चा होना है, एसी का ही तो खर्चा होना है, बस करवा लेंगे। क्या बोलते हो, एसी का ही तो खर्चा है उसमें, मेरी वाली में, मेरी वाली में एसी का खर्चा है, वो ठीक करवा लेंगे तो बराबर हो जाएगी, फिर वो बढ़िया हो जाएगी। ये सेठ मालिक देखो, लोगों को ऐसे धमकियाँ देते हैं ये, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, ऐसे धमकियाँ मारते हैं। मैं भाई गाड़ी देख रहा हूँ और तुम क्या धमकी दे रहे हो। आपका फोन चार्ज किससे होता है, जरा कैमरा घुमा दो, ये केबल कहाँ से निकल रहा है यार, जेब है ना भाई। अरे यार यार क्या भाई, तुम लोगों को धमकी देते हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, कुछ नहीं पाओगे भाई। कस्टमर ने किया है, कस्टमर गाड़ी सेल होने के बाद उसके जो चेंज कराना चाहिए इंश्योरेंस में, वो नहीं कराया उसने, तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो क्लेम रजिस्टर होगा नहीं। तो आप उसको क्या बोल रहे थे कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नहीं, वो कुछ नहीं, इंश्योरेंस वाले का कुछ नहीं उखाड़ सकते। इंश्योरेंस वाले ने बोल दिया भाई ऑनर से चेंज हो गई, अभी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं भाई, बादल देखो कितने सही लग रहे हैं यार। तो भाई अभी मिसल पाव खाने आए हम लोग, बहुत दिन क्या मतलब, फर्स्ट टाइम बड़ोड़ा में मिसल पाव मैं खाने वाला हूँ। आपने तो खाया हुआ है? खाया आपने? हाँ, मैंने तो नहीं खाया भाई, तो यहाँ पर आज ट्राई करेंगे तो अच्छा हुआ, तो बताऊँगा काम पर। क्या कर क्या रहे हो? लेवल बाकी सही चल रहा है, चलो बढ़िया। अभी हम लोग है ना नैनो का वीडियो करा रहे हैं, मतलब मेन चैनल के लिए, तो वही सब सेटअप कर रहे थे, ट्राइपॉड लगा के कुछ सेटअप है, तो वीडियो वगैरह लिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इनको माइक दे दो भाई, तो इनका भी काम हो जाए, हम भी कर लें काम थोड़ा बहुत, बाकी तो धूप में ऐसा। हाँ भाई, लेवल बाटली सेंटर हो गई है, ये मैंने लिया नया 850 रुपये का, 850 कम में लिया यार, इससे कम में लिया क्योंकि महंगा। अरे यार हो जाएगा। ये है गाड़ी, अभी इसका प्राइस वगैरह मैं बता, क्या चल रहा है आपका भाई। हम लोगों ने अभी जस्ट वीडियो बनाया, कंप्लीट किया है, माइक तुम्हारे पास है एक, ठीक है, तो वीडियो मस्त बनाया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। और गौतम भाई एक बार इसका प्राइस बता दो आप, माइक तो लो पास में 75,000। तो इसमें काफी सारे खर्चा भी वगैरह किया है, उसके बाद जाके 75,000 में अभी मिल जाएगी। चारों टायर नए हैं, एसी भी परफेक्ट काम कर रहा है, और बम्पर वगैरह की जो कंडीशन थी वो भी एकदम क्लीन कर दी है। डेंटिंग पेंटिंग भी जो है गाड़ी के अंदर कर दिया गया है, सब कुछ नया कर दिया गया है। इंटीरियर भी देखो बहुत ज़बरदस्त हो गया है, एक नंबर है, ये देखो बढ़िया। और इसको मैं बैक भी दिखा देता हूँ, रियर में भी कुछ इस तरीके से कंडीशन है गाड़ी की। तो अगर आप चाहते हो लेना तो नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप फ़ोन कर सकते हो। एंड अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप वाला कम्युनिटी है ना, वो भी ज्वाइन कर लेना, नैनो इन फ्यूचर भी कभी आएगी तो आप बाय कर सकते हो, कहीं से भी देख रहे हो तो बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। क्या बज रहा है ये रेडियो में, क्या बज रहा है? छपरी लोग गाना बना रहे हैं, छपरी लोग के गाने चल रहे हैं, क्या कर रहे हो यार भाई? गौतम भाई पता नहीं कहाँ चले गए, और मेरे को बोलते हैं कि राकेश भाई को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। गोल्डन आर पे हम लोग बस वीडियो ले रहा था मैं, फोटोज वगैरह कुछ खींच लिए, उधर एक लड़की ने एक लड़के की स्कूटी ठोक दी है, तो कान चल रहा, वो फोन वोन कर रही है, पता नहीं क्या है, बट अपने को क्या है, जूम करके क्या दिखा दो ब्रेन दो अभी। बाकी तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करो। मैं काफ़ी दिनों से मतलब ब्लॉग एंड नहीं कर पाता, तो कुछ लोगों की शिकायत रहती है, भैया हमारे हैं वो देखते हैं वीडियो, दोनों ने तो बोल दिया था भाई यार ब्लॉग तो एंड कर दिया करो, पता चले सडनली ख़त्म हो जाता है, अरे यार कर दिया करूँगा। तो कभी कभी क्या होता है ना यार, बहुत ज़्यादा थक जाते ना, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग एंड करना भूल जाता हूँ, फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ तो फिर उसके बाद घर पर होता तो ढंग का माहौल रहता नहीं, तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग एंड कर नहीं पाता हूँ। लड़ाई फोन वोन किया उसने, बात बात की और भागे, पता नहीं क्या ही चीज़ है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने को भाई 10,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करना है, अपना जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी तो भाई आप लोग का सपोर्ट है, अभी तक कितना 2021 सब्सक्राइबर तक पहुँचे, ऐसे ही 2,00,000 तक पहुँचना है, 2,000,000 तक पहुँचना है, आप लोग रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी सब बढ़िया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।